Hello students, how are you all? Hope you all are fine. I am your maths teacher and this is your maths book. Now open your book. Page number 14, exercise 1C. Now come to the next page. Page number 15, question number 4. Multiply the following. Question number A दिया हुआ है इसमें. सबसे पहले हमें ऊपर वैल्यू दी हुई है 61964. नीचे वैल्यू दी हुई है 279. तो हमने सबसे पहले 9 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई दे देना है, फिर 7 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई दे देना है, देन 2 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई दे देना है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ये तो हमारे पास उतरे हुए हैं, यहाँ हमारे यहाँ क्वेश्चंस नहीं बना के दिए हुए, यहाँ क्वेश्चंस वर्टिकली बना के दिए हुए हैं, यहाँ हमें बनाना पड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में राइट दिस वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई. क्वेश्चन नंबर ए है 72562 मल्टीप्लाई 169. लुक एट हियर स्टूडेंट्स, हमें बुक में इस तरह हॉरिजॉन्टली राइट करके दिया हुआ था, हमने इसे वर्टिकली इस तरह से उतार लिया. इसके दैन इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे. 9 2 18 का 8 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी इससे ऊपर चली जाएगी. 9 6 56 में 1 प्लस करेंगे तो 57 हो जाएगा. 57 का 7 नीचे आ जाएगा और 5 कैरी ऊपर चली जाएगी. 9 5 45 45 में 5 को प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा. 50 का 0 यहाँ आ जाएगा, 5 कैरी 2 के ऊपर चली जाएगी. 9 2 18 18 में 5 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 23 का 6 नीचे आ जाएगा, 2 इससे ऊपर चले जाएगा. देन 9 7 63 63 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65. तो 65 हम पूरा लिख देंगे क्योंकि हमारे पास बराबर में कोई वैल्यू नहीं है कैरी लगाने कैरी देने के लिए, इसलिए हम पूरी वैल्यू सेम नीचे लिख देंगे. सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई देने जा रहे होंगे तो मल्टीप्लाई की निशानी लगाएंगे सबसे पहले, देन मल्टीप्लाई देंगे. 6 2 12 12 का 2 नीचे आएगा, 1 कैरी 6 के ऊपर चली जाएगी. 6 6 36 36 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 37 7 यहाँ आ जाएगा, 3 कैरी 5 के ऊपर चली जाएगी. 6 5 30 30 में 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 3 यहाँ आ जाएगा और एक दूसरी के दूसरा 3 जो है हमारा 2 के ऊपर कैरी चली जाएगी 33 की. 6 2 12 12 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15. तो हम 15 को 5 यहाँ लिखेंगे, 15 की 1 कैरी 7 के ऊपर चली जाएगी. देन 6 7 6 7 क्या होता है हमारे पास, 6 7 6 का टेबल पढ़ते हैं. 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 42 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43 हम पूरा राइट कर देंगे. थर्ड मल्टीप्लाई देंगे 1 को तो 2 मल्टीप्लाई के निशाने लगेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई दे देंगे. 1 2 2 1 6 6 1 5 5 1 2 2 1 7 7 देन प्लस कर लेंगे इन सब वैल्यूज को. अब तीनों वैल्यूज को हमने ऊपर वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई दे दिया, अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे. 8 का 8 ए सी उतर जाएगा, 7 में 2 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 में 2 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा. 3 और 3 6 6 और 6 12 हो जाएगा, 2 यहाँ आया, 1 कैरी 12 की 5 के ऊपर चली जाएगी. 5 में 1 को प्लस करेंगे 6 6 और 5 11 11 और 5 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 आ जाएगा हमारे पास. 16 का 6 आया, 1 इस कैरी ऊपर चली गई 6 के ऊपर. 6 में 1 को प्लस करेंगे 7 7 में 3 को प्लस करेंगे 10 10 में 2 को प्लस करेंगे 12 2 यहाँ आ जाएगा, 12 की कैरी 1 ऊपर चली जाएगी. 4 में 1 को प्लस करेंगे 5 5 में 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12. तो ये इसका आंसर है. ये हमने तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने क्वेश्चन नंबर ए समझ लिया है. आई होप कि आपके अच्छे से समझ आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर बी भी हमें इसी तरह करना है.
200 वैल्यू को हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई देना है। देन सी डी आप खुद करेंगे और बी भी। आई होप कि आपके अच्छे से समझ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेंट। ए दिया हुआ है मल्टीप्लिकेंट 5829 और मल्टीप्लेयर है हमारा जिसे हम मल्टीप्लाई देंगे इन वैल्यू को इस वैल्यू को, वो है 431। तो हमने इन वैल्यू इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई दे देना है। फ्रेंड्स आप लोगों की मल्टीप्लाई वाले सवाल अच्छे से समझ आ गए हैं जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। वन क्वेश्चंस बाकी के इसी तरह क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में सेमेस्ट इसी तरह क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन नंबर डिवाइड के करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑल। वापस